श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। जिंदगी बहुत सरल है, उसे जीना आना चाहिए। ईश्वर ने उपहार में हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, अगर हम उसमें से कुछ चीजों का ही उपयोग अपनी जिंदगी में कर लें तो आप विश्वास मानिए, हमारी जिंदगी में हम बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। आज की इस सीरीज में मैं अलका बिरदी आपके लिए लेकर आई हूँ स्फटिक का विज्ञान। स्फटिक क्या है, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सालों तक अगर बर्फ एक जगह पे जमी रह जाए तो वो स्फटिक के रूप में परिवर्तित हो जाती है और स्फटिक की शिला के रूप में हमें क्लस्टर के रूप में प्राप्त होती है। आप सभी जानते होंगे स्फटिक को, कोई भी ऐसा आज की डे में नहीं है जो स्फटिक को नहीं जानता। तो ये स्फटिक सभी तरह के शेप में मिलते हैं, पेंसिल्स है, बहुत ही खूबसूरत सी माला है ये डायमंड कटिंग की, ब्रेसलेट्स है, पिरामिड है, एंजल्स भी होती है, इस तरह के बॉल भी होते हैं। क्रिस्टल्स में नेचुरल एनर्जी होती है और स्फटिक के अंदर एक सेल्फ हीलिंग पावर है। अगर इसे मैं चार्ज ना भी करूं तो स्फटिक एक ऐसा क्रिस्टल है, वाइट क्वार्ट्ज़ एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपको एनर्जी लगातार देता रहता है, आपके ऑरा में क्रिएट करता रहता है। और अगर हम इसे चार्ज कर लें रेकी के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, आपको जो भी पद्धति आती है उसके द्वारा, तो इस स्फटिक की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा उपयोग स्फटिक का हमारे आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है। अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति लगातार बीमार है या उसका ऑरा बहुत वीक है, नर्वस है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है उसके अंदर में, तो आप उसे स्फटिक की माला या ब्रेसलेट पहना सकते हैं या इस तरह के टंबल्स या कोई क्रिस्टल को चार्ज करके उसे पॉकेट में रखने को दे सकते हैं, उसके स्टडी टेबल में रखने के लिए दे सकते हैं या उसके बेड के नीचे इस तरह की पेंसिल को चार्ज करके प्लेस कर सकते हैं, जिससे उसके आभा मंडल के अंदर वो धीरे धीरे एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और वो व्यक्ति का ऑरा काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इसकी पहचान के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी भारी क्रिस्टल है, जो कांच होता है वो इतना भारी नहीं लगता है। और दूसरा, ये ठंडा रहता है, काफ़ी ठंडक रहती है इसके अंदर में। नाइट में अंधेरे के अंदर आप इसको लाइट अगर देंगे तो ये चमकता हुआ दिखेगा आपको। नेचुरल स्फटिक की यही पहचान है। और जो यूज़ में आ जाते हैं क्रिस्टल्स धीरे धीरे, तो उसमें क्लाउड सा बनना शुरू हो जाता है, तो जो जानकार नहीं है वो क्लाउड के हिसाब से इसे पहचान सकते हैं कि असली है या नकली। आप इस पिरामिड में देखेंगे तो काफ़ी क्लाउडी हो चुका है, काफ़ी क्लाउड्स है इसके अंदर में, जो स्फटिक के प्योर होने की निशानी है। दूसरा, स्फटिक हमारे माइंड को शांत रखता है, हमारे मन को शांत रखता है, हमारी बॉडी से नेगेटिविटी को रिमूव करता है। और वास्तु के अंदर अगर आप कहीं गए हैं और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है वहाँ पर, बहुत नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, तो आप इस तरह का बॉल चार्ज करके अगर उनके पूजा के स्थान में रखते हैं तो आप वहाँ की एनर्जी काफ़ी गुना इम्प्रूव हो जाती है, उस घर से नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाती है और काफ़ी हद तक वहाँ का ऑरा जो है घर का काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आप और भी कई तरीकों से इसका उपयोग कर सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू वेरी मच। इसे कैसे चार्ज करते हैं और इसका उपयोग और किस तरह से किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।